चलिए भाई, सर्वे का लेक्चर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी थियोडोलाइट का यूज करके हम लोगों ने एंगल मेजरमेंट करने के बाद उस पूरे सर्वे के मैप को कागज पे उतारा। ठीक है ना, कैसे? देखिए, टॉपिक का नाम हमने लास्ट क्लास में बोला था कि हमको क्या पढ़ना है, ट्रैवर्जिंग। अब ट्रैवर्जिंग क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा और मैं बता दूं। देखिए, थ्यूडोलाइट ने हमें सुविधा दी थी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि थ्यूडोलाइट चैप्टर में ही आपको ट्रैवर्जिंग दे दिया है, लेकिन ट्रैवर्जिंग अलग से क्या है, एक चैप्टर है। तो चलिए आप लोग एक ही में देख लेते हैं, ठीक है ना। थ्यूडोलाइट जो होता है आपका, उसने हमें एक सुविधा दी। क्या हमें एक सुविधा दी? टू मीजर एंगल, एंगल मेजरमेंट करने की सुविधा दी। असल में एक चीज और जान लीजिए, थ्यूडोलाइट हमें एक दूसरी सुविधा भी देता है, डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट का, डिस्टेंस मेजरमेंट की भी सुविधा देता है। लेकिन वो कैसे देगा उसके बारे में बात अभी हम बाद में करेंगे। बात समझ आ रही ना? डिस्टेंस मेजरमेंट की सुविधा भी हमें थ्यूडोलाइट देगा, लेकिन वो कैसे देगा उसके बारे में बातें हम लोग बाद में करेंगे। डिस्टेंस मेजरमेंट की सुविधा जो हमें वो देगा उसके बारे में बातें हम लोग बाद में करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक थ्यूडोलाइट का यूज करके जहां आप खड़े हैं वहां खड़े खड़े आप किसी दूसरे जगह की डिस्टेंस थ्यूडोलाइट से सीधा मेजर कर सकते हैं। ये सुविधा कैसे देगा वो अभी बाद में बात करेंगे। और उस असल में ऐसी थ्यूडोलाइट को हम लोग, ऐसी थ्यूडोलाइट जिसमें स्टेडिया का यूज करके हम लोग सीधे डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसे थ्यूडोलाइट को, मतलब थ्यूडोलाइट में हमने जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बताइए? थ्यूडोलाइट में स्टेडिया जोड़ दिया। स्टेडिया क्या है? एक थ्योरी है, बाद में बात होगी। तो ये बन जाता है असल में टैकोमीटर। और टैकोमीटर क्या है? टैकोमीटर डिस्टेंस मेजरमेंट करने का एक उपकरण है। असल में टैकोमीटर एक थ्यूडोलाइट ही होता है जिसमें स्टेडिया डायाफ्राम ऐड होता है। टैकोमीटर इज नथिंग बट अ वर्नियर थ्यूडोलाइट हैविंग स्टेडिया डायाफ्राम इनसाइड इट्स टेलीस्कोप। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, बट अभी के लिए हमें मानना है कि थ्यूडोलाइट ने हमें एक चीज अलाउ की है। क्या हमें उसने अलाउ किया है फिलहाल के लिए? क्या? एंगल मेजरमेंट। डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो आप डिस्टेंस मेजरमेंट चेन टेप की मदद से भी कर सकते हैं, थ्यूडोलाइट की मदद से भी कर सकते हैं, बट दैट थ्यूडोलाइट इज नोन एज टैकोमीटर। तो देखिए, यहाँ पे सपोज करिए, मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि आप जब किसी थ्यूडोलाइट को लेकर किसी साइट पर जाएंगे, आपका कोई फील्ड है इस टाइप से, कोई फील्ड आपका है और फील्ड में आपने ये स्टेशन पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, इन पर खूंटियां धंसाना। ये कोई फील्ड का एरिया है, कागज पे नहीं है, ये फील्ड में है। फील्ड में आपने स्टेशन ए बी सी डी और ई, ये पांच स्टेशन आपने बना लिए और इन स्टेशन की आपने कुछ डेटा नोट किया। क्या डेटा नोट किया? जब डेटा नोट करते हैं तो कैसे डेटा नोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। क्या डेटा नोट करते हैं? कुछ इस टाइप से, जैसे क्या देखिएगा, लाइन लाइन, उनकी बियरिंग और उनकी लेंथ। मतलब हर लाइन की बियरिंग, जैसे लाइन कौन सी हुई, ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, इस टाइप से आपने पांच लाइन इस पूरे क्षेत्र में थी, इनको आपने नोट कर लिया। नोट करने के बाद, ध्यान समझिएगा, नोट करने के बाद आप यहां नोट करते, यहां पे और क्या नोट करते, यहां पर आप नोट करते उन लाइनों की लंबाई, सपोज L1 L2 L3 L4 और L5, ये आप नोट करते इस टाइप से। सपोज करिए और उनकी बियरिंग सपोज थी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 और थीटा 5। कहेंगे सर बियरिंग कैसे मापेंगे? तो भाई थ्यूडोलाइट से बियरिंग भी मापी जा सकती है। कैसे? थ्यूडोलाइट को जैसे आपने दो जगहों के बीच में एंगल मापा, तो थ्यूडोलाइट के अंदर एक व्यवस्था होती है कंपास रखने की। कंपास को अगर थ्यूडोलाइट, कंपास छोटा सा आता है, ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास एक चीज होती है जिसमें हम लोग, इसके बारे में जब प्लेन टेबल पढ़ाए थे हम सर्वे फर्स्ट में, तो वहां हमने इसके बारे में बताया था, ट्रफ कंपास। तो ट्रफ कंपास को अगर थ्यूडोलाइट में सेट कर दिया जाए ऐसे, तो उसके बाद आप उस कंपास की मदद से थ्यूडोलाइट को बिल्कुल कहाँ कर सकते हैं, नॉर्थ में। और नॉर्थ में जैसे आपने थ्यूडोलाइट का एकदम कंपास की मदद से इसको नॉर्थ में कर लिया, तो इस लाइन की बियरिंग आपने क्या कर ली, माप ली ऐसे।
इधर थ्योरलाइट को नॉर्थ में पहले सेट किया, वर्नियर पर जीरो दिखाएगा, जब नॉर्थ में सेट हो जाएगा तो ऊपरी क्लैंप को खोल के बी की तरफ घुमा दीजिए, इसका एंगल थीटा वन आ जाएगा। अब इसी तरीके से बी का एंगल जो आएगा वो थीटा टू आएगा, इसी तरीके से सी का जो एंगल आएगा वो थीटा थ्री आएगा, डी का जो एंगल आएगा वो थीटा फोर आएगा, और ये इनके बीच के एंगल नहीं है, माइंड इट, ये इनके बीच के एंगल नहीं है, ये किसके एंगल है थीटा फाइव, ये सब एंगल नहीं है बल्कि उन लाइनों की बियरिंग है। चलिए आपने चाहे एंगल मापा हो तो उनसे बियरिंग निकल जाएगी, और बियरिंग मापा हुआ तो उनसे एंगल निकल जाएगा, बशर्ते एक रेफरेंस बियरिंग आपको मालूम होनी चाहिए। आपने ये सब माप लिया किसी थियोडोलाइट की मदद से, अभी मैं वो सब नहीं बता रहा हूं कैसे करना, मैं ये बता रहा हूं कि चलिए आपने मेजरमेंट ले लिया किस किस चीज का, लाइंस का, उनकी लंबाई और उनकी बेयरिंग माप के आपके पास चार्ट आ गया, ठीक है। आपसे बोला गया कि इसको मैप पर बनाइए, आप मैप पर गए, कहां मैप पर गए, एक कागज आपने लिया और कागज पर वो नक्शा बनाने का प्रयास करने लगे, ठीक है। अब नक्शा आपके पास नहीं था, आपके पास था क्या, केवल वो लाइन, और लाइन के बारे में ध्यान समझिएगा, लाइन के बारे में आपके पास क्या था कि आपके पास लाइन की लंबाई और उनकी बियरिंग थी। बियरिंग की मदद से आप चाहें तो इंटरनल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल एंगल, किसी की भी थियोडोलाइट की मदद से इंटरनल एंगल बियरिंग की मदद से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये कंपास में मैंने पढ़ाया हुआ था। देखिए करना नहीं है, पहले समझिए, अगर एक लाइन की बियरिंग सपोज करिए, एक लाइन ये है ओ ए, ठीक है ना, दूसरी लाइन है ओ बी, अगर इन दोनों की बियरिंग पता हो, लाइक लेट मी शो यू समथिंग, आप यहाँ पे सिंपल सा मैंने लिया, ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन मैंने फर्स्ट ईयर में लगा देता, यहाँ पे सपोज करिए इस लाइन की बियरिंग, बियरिंग क्या होती है, नॉर्थ से किसी का झुकाव उसकी बियरिंग होती है, नॉर्थ से ये है थीटा वन पे और नॉर्थ से दूसरी लाइन जो है वो थीटा टू पे है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है सपोज ये थीटा है, तो थीटा क्या होगा, तो कहेंगे थीटा टू और माइनस थीटा वन। नहीं समझे बात को, एक लाइन की बियरिंग जो है वो थीटा वन है, दूसरे की थीटा टू है, थीटा टू में से थीटा वन माइनस किए तो बच गया क्या आपका थीटा, और थीटा ही क्या उनके बीच का, यानी अगर लाइनों की बियरिंग मालूम हो तो उनके बीच का एंगल निकाला जा सकता है। अब इससे क्या होगा, उनके बीच का कोण जान लेने से, देखिए आप चाहे कोण मापिए चाहे बियरिंग मापिए, आप जब कागज पे जाएंगे तो कागज पे आपके पास एक सीट रहेगी, ऐसे सीट रहेगी ड्राइंग की, आपने उस पर क्या किया, एक लाइन खींच लिया क्या ए बी, ए बी, लेकिन दूसरी लाइन कहां जाएगी, चलिए बी आपने यहां पे क्लिक कर लिया, दूसरी लाइन कहां जाएगी वो डिपेंड करता है कि सर ए बी की लंबाई पता थी लेकिन बी सी की भी लंबाई पता है, इनके बीच का एंगल बता देते तो काम हो जाता। तो चलिए बी से सी आपने इनके बीच का एंगल बना लिया, बी से सी एंगल इनके बीच का बना लिया, सबका एंगल आप निकाल चुके थे, फिर सी से डी का भी एंगल आपने पता कर लिया, बहुत बढ़िया, डी से ई का भी एंगल आपने पता कर लिया, वेरी गुड, फिर इनका भी एंगल, और सबको आपने आपस में क्या कर दिया, मिला के बना दिया। यानी अगर किसी लाइन का एंगल और क्या, ध्यान समझिएगा, एंगल और क्या मालूम हो, साथ साथ उन लाइनों की लंबाई मालूम हो, तो उनको आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं कागज पे। अगर एंगल, लाइनों की लंबाई और उनका एंगल पता हो तो उनको कागज पर आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो देखिए अगर आपको ये सब मालूम हो एंगल और डिस्टेंस, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से कागज पे बना सकते हैं। लेकिन एक बहुत खतरनाक बात है, क्या है जरा ध्यान समझिएगा, दिक्कत कहां आ गई, दिक्कत वहां आ गई, थियोडोलाइट बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट था, इसके पास बहुत जबरदस्त टेक्निक थी जिससे ये 20 सेकंड तक के एंगल को माप सकता था, बट व्हाट अबाउट मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 सेकंड ऑन पेपर, बहुत मुश्किल था किसी कागज पे। सपोज थियोडोलाइट ने एक एंगल मेजर किया, थियोडोलाइट ने एक एंगल मेजर किया, क्या एंगल मेजर किया उसने, 20 डिग्री 40 मिनट और सपोज 40 सेकंड, थियोडोलाइट ने एक एंगल मेजर कर दिया 20 डिग्री 40 मिनट और 40 सेकंड, क्या इस एंगल को आप पेपर पे बना सकते हैं, चांदे में अगर आप ये एंगल बना रहे होंगे कागज पे तो किससे बनाएंगे, बताइए किससे बनाएंगे आप इस एंगल को। देखिए जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, मैं यकीन करिए मेरा, सुन नहीं पाएंगे, कोई आपको समझा नहीं पाएगा वो चीज कि क्यों कोऑर्डिनेट मेथड को हमने अडॉप्ट किया, क्यों लैटिट्यूड और डिपार्चर का कॉन्सेप्ट आया। इसको समझने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमें प्रॉब्लम कहां से शुरू हो गई। हमें मेन प्रॉब्लम ये थी दोस्त कि हम इन डेटा के आधार पर नक्शा बनाना चाहते थे, लेकिन नक्शा बनाते समय हमें
एक अजीब अजीब से एंगल आने लगे, एंगल आया, ये एंगल आ गया मान लीजिए 45 डिग्री, 45 डिग्री 15 मिनट। ये नापना बहुत आसान था, थियोडोलाइट ने दो जगहों के बीच का एंगल माप लिया 45 डिग्री 15 मिनट। जब कागज पर बनाने की बारी आई 45 डिग्री 15 मिनट, तो आपने यहां से 45 डिग्री बनाया, अब 15 मिनट बनाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी कि 15 मिनट का एंगल कैसे बनाए या 40 सेकंड का एंगल कैसे बनाए। कोई भी एंगल बनाने के लिए आपको चांदे में, आप जिससे एंगल किससे प्रकार से बना सकते हैं, चांदे से बना सकते हैं, किससे बनाएंगे आप एंगल, बहुत मुश्किल था ये टास्क कि आप कोई एक अनियमित सा एंगल बना लें। तो इससे बचने का तरीका था, देखिए बन सकता था, इनके मदद से भी हम प्लॉटिंग कर सकते थे। ट्रेवर्जिंग आपने कर लिया, उन ट्रेवर्स को कागज पर उतारना एक टास्क था। क्यों? थ्यूडोलाइट जितने छोटे एंगल माप सकता था, हम कागज पर उतने छोटे एंगल बना नहीं पा रहे थे। तो फिर क्या रास्ता था हमारे पास? तो हमारे पास रास्ता क्या है, चलिए देखते हैं, उन रास्तों को देखते हैं जिससे, अब इससे कई लोगों का और एक चीज क्लियर होगा, क्या मालूम है कि आप ज्योमेट्री भी समझेंगे। कोई भी एंगल आपसे कोई पूछे ना कि आप 37 डिग्री का एंगल बना लेंगे बिना चांदे के, कहिएगा हाँ, कहिएगा आप 35 डिग्री का बना लेंगे, हाँ, हम तो बना देंगे, तुम माप नहीं पाओगे, हम बना देंगे 35 डिग्री 40 मिनट 30 सेकंड का, तुम माप नहीं पाओगे कि वो सही है कि गलत, क्योंकि बहुत हल्की सी कागज पे हम बना देंगे, आप माप नहीं पाएंगे, लेकिन हम एक्यूरेट बनाएंगे। कैसे? लेट अस सी कैसे। आपको बेसिकली हमें एंगल को आप समझना है कि कागज पे कोई विपरीत सा एंगल कैसे बनाते हैं, ऑड सा एंगल कैसे बनाते हैं जो अलग तरीके का होता है। देखिए सपोज करिए आपको, तब ट्रेवर्जिंग आपने कर लिया, ट्रेवर्जिंग करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी, चेन प्लस टेप, टेप रहे चाहे ना रहे, दोनों में से कोई चेन या टेप रहे, और प्लस क्या रहे, थियोडोलाइट रहे, थियोडोलाइट। तो आप ट्रेवर्जिंग तो कर लेंगे, ट्रेवर्जिंग मतलब होता है चक्रमण, मतलब इस पूरे घेरे की मेजरमेंट लेना, मेजरमेंट आपने ले लिया। अब एक दूसरा टास्क आपके पास था क्या, प्लॉटिंग, दूसरा टास्क आपके पास क्या था, प्लॉटिंग। प्लॉटिंग करने के लिए ध्यान समझिएगा इस लेक्चर को, अगर पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज फटाफट से शेयर करिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। मस्त लगता है जब आप लोग कमेंट अच्छे अच्छे डालते हैं, और कुछ उसके अलावा मिलता भी नहीं है, यकीन मानिए। कई सालों का अनुभव मैं देने का प्रयास करता हूं, और कोई और देगा, आप बहुत बेटर लोग पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिस पर कोई बात नहीं करेगा वो मैं करूंगा। आपसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई प्लॉटिंग में, जब आप कागज पर उस एंगल को, क्योंकि आपने देखा कि एक लाइन उस पर एंगल, फिर वो दूसरी लाइन, फिर उसका एंगल बना सकते थे, लेकिन उस एंगल को सही सही बनाना बहुत मुश्किल था। तो फिर हमारे पास क्या रास्ता था, हमारे पास क्या रास्ता था बनाने का। तो एक चीज जान लीजिए, सपोज करिए आपको कोई एंगल बनाना है, बहुत अजीब सा एंगल है, मैंने एक लाइन खींची, ठीक है ना, एक लाइन मैंने खींची, मैंने बोला आपको इस लाइन से एक दूसरी लाइन बनानी है, ध्यान समझिएगा, दूसरी लाइन बनानी है, और वो लाइन इससे जो है वो 35 डिग्री 40 मिनट पे होनी चाहिए, 35 डिग्री 40 मिनट होनी चाहिए। तो आप करिए क्या, कहिए क्या, अच्छा इस लाइन पर आप सपोज करिए जितना मन करे उतना, चलिए 5 सेंटीमीटर इधर चले गए, इस लाइन से इधर आप कितना चले गए, 5 सेंटीमीटर चले गए, चले गए कि नहीं चले गए, 5 सेंटीमीटर चले गए। अब आप कहें कि इस पर एक लंबी लाइन ऐसे परपेंडिकुलर खींच दीजिए, कितना खींच दीजिए, परपेंडिकुलर कोई लाइन खींच दीजिए, इसकी लंबाई अभी मतलब पेंसिल से खींचिए, एंगल बना नहीं रहे अभी, एक लाइन ऐसे पर यहां पे 5 सेंटीमीटर स्केल से माप के गए, ऊपर खींच दिए, खींचने के बाद उस 5 जा सकते हैं, 10 जितना मन करे उतना जाइए, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर हम 35 डिग्री 40 मिनट पे ऐसे जाते आगे की तरफ, हम जब ऐसे 35 डिग्री 40 मिनट पे यहां से ऐसे निकल के जाते, तो इस लाइन को एक जगह काटते, और काटते तो सपोज करिए एक्स दूरी पर काटेंगे, सपोज करिए कि एक्स दूरी पर काटेंगे, अगर हमें ये मिल जाए कि एक्स कितना होगा, तो इस लाइन पर एक पॉइंट यहां से ढूंढ ले और इसको ऐसे मिला दे, तो वो एंगल कितने का होगा, 35 डिग्री। एक्स ये निश्चित नहीं है कि एक्स कितना होगा, हम इस लाइन पर कुछ दूरी चलेंगे एक्स, और उस एक्स को जब इससे मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल 35 डिग्री 40 मिनट का होगा। लेकिन एक चीज जानते हैं हम कि अगर हम लोग यहां से एक्स होगा और ये 5 होगा, तो टेन टेन 35 डिग्री 40 मिनट लेंगे तो होगा एक्स बटे 5, नहीं होगा क्या बताइए, एक्स बटे 5 नहीं होगा क्या, टेन 35 डिग्री 40 मिनट अगर लेंगे तो एक्स बटे 5 होगा, ये एक्स है और ये 5 है, तो लंब बटा आधार लेंगे तो ये टेन थीटा, थीटा अगर इतना है तो एक्स हमें नहीं मालूम है, एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे 5 टेन 35 डिग्री
40 मिनट, तो इसकी कोई वैल्यू कैलकुलेटर पे आप रख के निकाल लीजिए, यहां से कुछ आएगा। बस वही निशान यहां लगाइए और उसके बाद इस लाइन को इससे होते हुए मिला दीजिए। जो ये एंगल बनेगा ना दोस्त, इसको जब इससे मिलाएंगे तो जो ये एंगल बनेगा ना वो कितने का होगा, 35 डिग्री 40 मिनट का एंगल होगा। बात समझ आ रही? यानी अब हम लोगों के पास ये टास्क थोड़ा मजेदार हो गया हमारे लिए, क्या कि हम लोग कोई भी एंगल बना सकते थे। किसकी मदद से? हम कोई भी एंगल किसकी मदद से बना सकते थे? इसकी मदद से, ये टास्क लेके। प्लॉटिंग का एक तरीका दूसरा है। पहला तरीका तो आपने लिया एंगल और डिस्टेंस मेथड में, आपने एंगल बनाना सीख लिया। कोई भी एंगल दिया हो आपको, चांदे पर एंगल बनाने की जरूरत नहीं, इससे बना सकते हैं। एक और तरीका है, एक और तरीका है जिसमें हम लोग इसको कॉर्ड मान के बना सकते हैं। वो इसलिए नहीं बताऊंगा कि कर्व पढ़ाऊंगा तब वो ज्यादा समझ में आएगा। तो एंगल बनाने के कई तरीके हैं, जिसमें एक तरीका मैंने आपको बताया। आई होप आप इसको समझ गए। नहीं समझे वीडियो रोक के देखिए, वीडियो रोक के देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना होगा। समझ में आ रही बात ना? इस चीज को ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट डालिए। चलिए, प्लॉटिंग का एक तरीका था कि हम कोई भी एंगल अब बना सकते हैं। ड्राइंग शीट को ऐसे घुमा लीजिए, लाइन ए बी ड्राइंग शीट पे खींचे। अब मान लीजिए ए से बी बन गया, बी से सी की तरफ जाना है, सी वाले एंगल का वैल्यू 10 में रख करके ऐसे रख के घुमा दीजिए, आ जाएगा अपने आप आपका आंसर। बात समझ आ रही ना? आपका आंसर अपने आप आ जाएगा कि कहां होगा वो वाला, ठीक है ना, कि जहां वो एंगल। एक तरीका और था, जबरदस्त तरीका, कि हम पूरे मैप में हमने यहां पर कहीं पॉइंट ए अपना मान लिया, ए पॉइंट मान लिया, ठीक है। हमने क्या मान लिया? पॉइंट ए अपना यहां मान लिया, ठीक है। इसको जानने के लिए देखिए, ध्यान समझिएगा, पॉइंट ए मान लिया तो ए बी लाइन कहीं होगी, ए बी कहीं लाइन होगी, और ए अगर यहां पर है तो ए से बी की लंबाई आपको पता है, ए से बी की लंबाई पता है L1, ठीक है भाई, L1 होगा, और ए बी लाइन की बियरिंग भी थीटा 1 पता है। तो बियरिंग पता है तो ग्राफ पर आप एक चीज बताइए, हो सकता है, ध्यान समझिएगा, हो सकता है कि आप यहां से ऐसे एंगल बनाते और ये एंगल सही नहीं होता, ये सही नहीं होता, यहां जाने पे एरर धीरे धीरे बढ़ने लगती है आगे, ठीक है ना। लेकिन अगर सीधे उस पॉइंट की ही लोकेशन पता हो जिसको मिलाना है, सपोज बी यहां है कहीं और हमें नहीं मालूम है कि बी कहाँ है ए से, तो एक चीज जान लीजिए दोस्त, अगर अगर ये ए से 45 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू हम ले 45 डिग्री, ए से बी अगर 45 डिग्री होगा ना, ध्यान समझिएगा, ए अगर यहाँ है और बी उससे 45 डिग्री पर होगा और लाइन की लंबाई को हम मान लेते हैं 20 मीटर, तो अब एक चीज जानिएगा, यहां से जब आप लेंगे ना ये लाइन की अगर लंबाई हम मान लेते हैं कुछ होगा, हमें एंगल नहीं पता है, तो बी की लोकेशन कहां होगी? तो बी की लोकेशन जानने के लिए हमें सीधे पॉइंट ए से ये लाइन अगर कहीं जा रही होगी ना, तो ये आप यहां मत जाइए बी पर, बी पर जाने का ये नुकसान है कि आप 45 डिग्री आसान एंगल आपको आसान लग रहा है, लेकिन कई एंगल ऐसे होंगे जो आसानी से मेजर नहीं होंगे। तो आप ये मत करिए कि आप एंगल बनाइए ही मत। प्लॉटिंग के लिए आपको एंगल और डिस्टेंस चाहिए थे, वो तरीका तो पहले था, आप एंगल बनाना सीख गए, अब एंगल छोड़ दीजिए, नहीं बनाना हमें, हमें सीधे बोलना है कि अगर ए यहाँ है और ये ग्राफ पेपर है ऐसे, ये ग्राफ पेपर ऐसे है, तो बी कहाँ होगा? बी कहाँ होगा? ए से कितना ऊपर जाए तो बी मिलेगा, तो उसके लिए जो ए बी लाइन है ना, ए बी कहीं पर ऐसे लाइन होगी, उसका बियरिंग सपोज करिए ये थीटा होगा, ए बी कहीं पर ये लाइन होगी जिसका बियरिंग क्या होगा, थीटा होगा, तो उसका ये अगर ए बी है तो उसका जो इस दिशा में प्रोजेक्शन आएगा इस लाइन का, ये लाइन ये होगा ए बी कॉस थीटा, और इस लाइन पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो होगा ए बी साइन थीटा। मतलब समझ रहे हैं ना? अगर हम लोग ए के संदर्भ में बी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ ले तो ए बी हमें नहीं बनाना है, हम ए बी को नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे चुपचाप, अरे भाई पूरा ए यहां पे हमने बना लिया प्लॉटिंग में ए, तो भाई बी कहाँ होगा? बी जो होगा ना उसके लिए ऊपर जाना है, कितना, ए बी कॉस थीटा के बराबर ऊपर चले जाइए, चले गए भाई, यहाँ ए बी कॉस थीटा है, चले गए, आगे भी चले जाइए, कितना, ए बी साइन थीटा के बराबर, ए बी साइन थीटा के बराबर चले जाइए आगे, तो आपको बी की सही लोकेशन मिल जाएगी। हम एंगल मीजर ही नहीं किए, मीजर करना टास्क है, कैलकुलेटर पर रखना कोई बड़ा टास्क नहीं है,
अगर इसका इस थीटा की डिग्री 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 मिनट, 60 मिनट, 20 सेकंड, 25 सेकंड कुछ भी रहेगी तो कैलकुलेटर तो खट से बताएगा इसको। तो चुपचाप हम यहां से ए बी पॉइंट कहां होगा, बी से यहां ऐसे गए और यहां ऐसे गए, दोनों को मिला दिए, बी मिल गया। अब ए को बी से मिला दीजिए, अपने आप वो सही सही एंगल पर जाएगा जहां जाना होगा। मतलब सी की लोकेशन कहां होगी, सी आर जो है ना बीसी का एंगल थीटा टू है, बीसी जो होगा वो थीटा टू है, तो बीसी कहां होगा मतलब सी पॉइंट कहां होगा, तो सी की लोकेशन जो होगी वो बीसी कहीं जा रहा होगा, तो उसका भी कुछ लैटिट्यूड और उसका भी कुछ डिपार्चर। लैटिट्यूड डिपार्चर वर्ड मैंने यूज किया, मैं उसके बारे में बताया नहीं है, बस ये बता रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे करते करते सबकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं। इस लोकेशन को जानने के लिए हमें कुछ और थ्योरी को समझना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर। अभी हमने आपको हिंट किया, अगर इस लेक्चर को आप समझ जाएंगे तब आप अगर ये अंदाजा लगा कि हमें हमारे पास किसी चीज को किसी ग्राफ को प्लॉट करने के दो तरीके, पहला एंगल और डिस्टेंस, दूसरा एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की क्या ढूंढ लेनी है, हमें लोकेशन ढूंढ लेनी है। हम यहाँ है, हमसे कोई इधर कोई लोकेट, जैसे भारत की लोकेशन क्या है, 82.5 डिग्री है और 23.5 डिग्री है भारत की लोकेशन। हर जगह सर्वे का एक्सट्रीम फॉर्म है जीपीएस, हम लोग पूरे ग्लोब को कोऑर्डिनेट्स में बांट चुके हैं, हमारा पूरा जो पृथ्वी का गोला है ना वो कोऑर्डिनेट्स में बटा हुआ है। तो कोऑर्डिनेट्स में बटने का क्या फायदा हुआ, फायदा हुआ कि किसी जगह की लोकेशन जाननी है तो हम लोग ये देखते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से कितना डिग्री उसका डिपार्चर है यानी लॉन्गिट्यूड है और कितना दूर उसका लेटिट्यूड है, ये दोनों चीजें हमने जानने लगे और हम किसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गए। क्यों, क्योंकि हम यहां से कहेंगे यार यहां से ना 45 डिग्री पर कोई चीज है, गलत हो जाएगा, 45 डिग्री से एक सेकंड की गलती आगे जाके बहुत पड़ जाएगी, लेकिन वो वहीं की लोकेशन एग्जैक्ट बता दे कि कहां है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ी किसी जगह के लोकेशन के लिए उसके लैटिट्यूड और साथ साथ उसके डिपार्चर की। वो क्या होते हैं इसका जिक्र कि क्या लैटिट्यूड है, क्या डिपार्चर है, क्या एरर है, इनके बारे में जिक्र हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। यहां हमने पढ़ा कि ट्रैवर्जिंग होती क्या है और ट्रैवर्ज को प्लॉट करने के नियम क्या क्या है। पहला मेथड है ट्रैवर्ज प्लॉटिंग का, पहला मेथड आपने देखा एंगल एंड डिस्टेंस, और दूसरा मेथड आपने देखा कोऑर्डिनेट मेथड। दूसरा मेथड क्या है, कोऑर्डिनेट मेथड। तो पहला मेथड कैसे अप्लाई होगा, एंगल और डिस्टेंस जान के आपने समझ लिया, कोऑर्डिनेट मेथड कैसे अप्लाई होगा समझ तो उसको भी लिए लेकिन कोऑर्डिनेट बनाना जरूरी चीज है तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तब तक के लिए शर्मा जी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।